रात होती है तो हमें दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं और यही कहानी को आप लेकर आता है। बेताल, इस नाम को सुनते ही हमें अपने बचपन की याद आ जाती है, जहां याद आता है राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां। मगर वास्तव में बेताल एक बहुत शक्तिशाली आत्मा है जो परलोक और इहलोक के बीच अटक कर रह जाती है, समस्त तरह की दूषित आत्माओं जैसे भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी, वैम्पायर्स, जिन, प्रेत, इन सब का स्वामी माना जाता है इन्हें। इनमें बहुत सी अलौकिक क्षमता होती है। ये भूत भविष्य वर्तमान के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये किसी भी शक्ति, नियम या कानून को नहीं मानते हैं और अपने हिसाब से कोई भी काम कर सकते हैं। मनुष्य के अंतरात्मा तक को झांक सकते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए बहुत समय से बहुत से तांत्रिक, जादूगर आदि, जिससे कि वे अपनी कुचित इच्छाओं को पूरी कर सकें या दूसरों से बदला ले सकें, इसी बेताल जाति का एक और स्वरूप होता है अग्नि बेताल, जिसका उपयोग किसी की बहुत ज्यादा क्षति करने के लिए किया जा सकता है। अग्नि बेताल जिसके पीछे लग जाए उसका सर्वनाश पूर्णता निश्चित है। दिवाली के बाद हल्की ठंड पड़ने लगी थी। आज शनिवार की छुट्टी थी, कल रविवार की। दो दिन जब हाथ में मिले तो फिर उसे बर्बाद कैसे किया जा सकता है। बस यही सोचकर मैं तेजी से तारानाथ के घर की तरफ निकल पड़ा था। रास्ते में किशोरी महाशय भी मिल गए। हम दोनों तारानाथ के घर में प्रविष्ट हुए। इस समय तारानाथ अपने तख्तपोश पर बैठे हुक्के का दम मार रहे थे। हमें देखते ही बोले, अरे आओ आओ, मैं तो बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैंने बिना कोई भूमिका बांधे जलेबी और समोसे के ठोंगा और पासिंग शो टेबल पर रख दिया। पासिंग शो देखते ही वो बोले, हा, अभी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। इस मौसम में हुक्का पीना कुछ मजा नहीं आता है। ठंड पड़ रही है, बार बार आग जलाओ सुलगाओ। अभी यही जलाकर बैठ ही रहा था, मगर दम ठीक से नहीं आ रहा था। और इसके बाद उन्होंने सिगरेट का पैकेट खोल लिया और दो चार कश मारे। मजा आ गया। तो एक कहानी हो जाए क्यों? मगर किशोरी बीच में ही बोल पड़ा, आप उसे छोड़िए और मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। किशोरी पिछले दिनों अपने मामा के घर गया था और वहां पर एक अघोरी बाबा का आगमन हुआ था। वो किसी के भी मस्तक को देखकर भूत भविष्यवाणी वगैरह कर देते थे। हालांकि ये हमारे लिए कुछ नया नहीं था। तारानाथ की क्षमता को तो हम अच्छे से जानते थे और ये कोई विशेष बात भी नहीं है। विशेष बात यह है कि उस तांत्रिक के पास एक इंसानी खोपड़ी है जो जीवित है और समय समय पर उसे भूत भविष्य वर्तमान की बातें बताती है। साथ ही उस अघोरी ने यह भी कहा था कि तांत्रिक जादूगर आदियों में अघोरी सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो जब चाहे किसी मनुष्य के प्राण ले सकते हैं और यही नहीं, मुर्दे में प्राण भी फूंक सकते हैं। किशोरी की बात सुनकर तारानाथ कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे, फिर अचानक बोले, तंत्र के माध्यम से शक्ति प्राप्त करके उसका दुरुपयोग करना बहुत बुरे परिणाम लाता है। ओ माधव सेन और उस तांत्रिक की बात तो याद है ना तुम्हें? तंत्र का मतलब है ईश्वर के करीब पहुंचने का एक मार्ग।
असली में क्या है जानते हो, सदियों से अच्छे और परोपकारी मनुष्यों को छोड़कर दुष्ट और स्वार्थपर लोग ही तंत्र की तरफ ज्यादा आकर्षित हुए हैं। तंत्र शब्द का उदय हुआ है तन से, अर्थात शरीर, और मंत्र का अर्थ होता है मन। अतः तन और मन को नियंत्रण में रखने वाली शक्ति को ही तंत्र के नाम से जाना जाता है। तंत्र जिसके तिसके द्वारा किए जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। तंत्र साधना करने के लिए व्यक्ति में योग्य लक्षण होते हैं, जो योग्य गुरु द्वारा पहचाना जाता है। उसके बाद जरूरत होती है देश और काल की, उसके बाद ही दीक्षा दी जाती है। मेरी दीक्षा सूर्य ग्रहण के दिन हुई थी, ये तो तुम लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, मगर ये सब निम्न स्तर के उपकरण मात्र हैं। इससे ऊपर भी कुछ है जिसके ना होने पर तंत्र साधना नहीं की जा सकती है, और वो है तुम्हारा मन। समस्त इंद्रियों को नियंत्रित करने में समर्थ है ये मन, और इंसान को पतन की तरफ ले जाने में ही जिम्मेदार है ये मन। अतः मन ही समस्त क्रियाओं का गुरु है। मन अगर वश में नहीं है तो किसी तरह से भी कुछ नहीं किया जा सकता, फिर चाहे दक्षिण पंथ की क्रियाएं हो या पंच मत की क्रियाएं, दिव्य साधना हो या पाश्विक साधना। 10 महाविद्या, कामाख्या, वज्रयान, सुलेमानी, जिस भी साधना में तुम लगो, मन का वश में होना अत्यंत आवश्यक है। रास्ते अलग अलग हैं तो क्या हुआ, सबका मंगल करने वाला जो एक ईश्वर है वो क्या बदल सकता है। इसके बाद किशोरी की तरफ देखकर उन्होंने कहा, तुम अघोरी के बारे में कह रहे थे ना, सच्चा अघोरी होता है भगवान श्री का जीवंत रूप। उनका इस संसार से माया मोह प्रवृत्ति निवृत्ति सब कुछ समाप्त हो गई। इस संसार से सच्चे रूप में माया कटा सका है जो, वही अघोरी है। शमशान की चिता की अजला मांस खा लेता है, मल मूत्र इत्यादि किसी के प्रति भी उनके मन में घृणा नहीं होती है। समझ सकते हो कितनी उच्च स्तर की साधना तक पहुंचना पड़ता है। और ऐसा ही कोई अघोरी तुम्हें ये सब बात कहा है। वास्तविक तांत्रिक अघोरी का मन बच्चे की तरह सरल होता है, और उसके द्वारा किसी के प्राण हरना, शक्ति प्रदर्शन, किसी की क्षति करना, इस संसार में सबसे बड़ा तंत्र है मनुष्य मात्र को प्रेम करना, और कुछ भी नहीं। और जन्म और मृत्यु ये तो प्रकृति के नियम है, इसमें तो स्वयं विधाता भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। फिर एक सामान्य मनुष्य कैसे किसी के प्राण हर सकता है और किसी को जीवित कर सकता है। गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जन्म मृत्यु किसी भी तरह से टाले नहीं जा सकते हैं। जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु को अवश्य प्राप्त करेगा, और जिसकी मृत्यु ही है वो जन्म को अवश्य प्राप्त करेगा। आप पुनर्जन्म को मानते हैं, किशोरी ने दोबारा पूछा। करता हूं। क्यों, सुबाला की कहानी याद नहीं है तुम लोगों को, जो अपने और अपने पुत्र के पिछले जन्म के हत्यारे से बदला लेने के लिए फिर से जन्म लेकर आई थी। असली में आत्मा स्वयं ब्रह्म है। जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी जीर्ण शीर्ण पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। ये जो तुम्हारा शरीर है, ये क्या तुम हो? फिर अगर तुम्हें चोट लग जाए तो तुम ये क्यों कहते हो कि मुझे चोट लग गई है? तुम ये भी तो कह सकते हो कि मैं जो हूं उसे चोट लग गई है। असल में हमारा ये शरीर मिट्टी मात्र है। क्या बताऊं तुम लोगों को, एक बार एक बहुत ही भयंकर महिला ने मेरा रूप धर लिया था। ये बात सोचने से अभी तक मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अब चौंक कर बोल पड़ा, अच्छा आपने ऐसा कुछ तो कभी नहीं बताया।
तारानाथ अचानक ही गंभीर हो गए और जैसे किसी सोच में डूबकर बोले, ये एक बहुत भयानक घटना है, कई साल पहले की बात है, ये बहुत भयानक घटना थी, ऐसी किसी भयानक घटना के सम्मुख मैं बहुत कम ही हुआ। किशोरी बोला, तो फिर आज वही कहानी हो जाए। अचानक ही तारानाथ उसकी तरफ देखकर बोले, एक कहावत है, किसी का पौष मास तो किसी का सर्वनाश। तुम्हारे लिए जो कहानी है उस भयानक घटना को मैंने खुद झेला है। मैंने तुरंत ही माहौल बदलने के लिए बीच में हस्तक्षेप किया। आप उसकी बात छोड़िए, आप बताना चालू करिए। तारानाथ ने एक सिगरेट जलाई और कहना शुरू किया, ये बात उस समय की है जब मेरी दीक्षा हो चुकी थी। बहुत समय तक बाहर बाहर घूमने के पश्चात गांव लौट आया था। पिताजी का देहांत हो चुका था। ऐसे ही एक शरद ऋतु में अचानक गांव में प्लेग फैला, भयानक महामारी। हजारों हजार मनुष्य पशु कीड़े मकोड़ों की तरह मरने लगे। लोग घबरा उठे, गांव छोड़ छोड़कर आसपास के गांव में शरण लेने लगे। क्या करता, मैं भी माँ को साथ में लेकर कुछ कोस दूर अपने एक मित्र के घर में जाकर कुछ दिनों के लिए ठिकाना बांधने के लिए निकल पड़ा। गांव का नाम था मधुवंती। यहां पर मेरा मित्र पराशर रहता था। वो अपना स्कूल चलाता था। पराशर मेरे स्कूल के समय का मित्र था। बहुत मेधावी छात्र था। वर्तमान में अपना स्कूल खोलकर विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था। पराशर गांव के बड़े व्यापारी परिवार से था। बहुत बार उसने मुझे आने का निमंत्रण दिया था, मगर कभी जाना नहीं पाया। जानते तो हो, घुमंतू जीवन होने से जो होता है, बस मुझे देखते ही वो बोल पड़ा, अरे तू, सुना था तू सन्यासी हो गया है, फिर घर कब लौटा? यही कुछ दिन हुए। असली में गांव में प्लेग फैल गया था। बाकी रिश्तेदार तो इधर उधर चले गए थे, माँ अकेली थी, सो उसे लेकर तेरे पास आ गया। अब जब तक महामारी का प्रकोप रहेगा कहीं नहीं जाऊंगा। हालांकि मुझे पता था कि देवी के आशीर्वाद से महामारी मुझे छू भी नहीं सकती, मगर ये बात मैंने पराशर पर जाहिर नहीं की। मैंने उससे कहा, मैं अपने बारे में नहीं सोचता रे, मगर माँ को अगर इस उम्र में कुछ अच्छा बुरा हो गया तो इसीलिए उसे लेकर तेरे यहाँ आ गया। अरे कैसी बात कर रहा है? और अच्छा ही हुआ, इसी बहाने तेरे चरण धूल मेरे घर में पड़े। जितने दिन चाहे तू चाची को लेकर यहाँ रहे। अच्छा हाँ, सुनने में आया है तेरी बड़ी तंत्र शक्ति व्यक्ति आ गई है? अरे वो सब कुछ नहीं, बस घूम घूम कर थोड़ी बहुत ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ और कुछ नहीं। बस कुछ शक्तिशाली साधकों को दर्शन मिले हैं और कुछ नहीं। मेरी बातें सुनकर अचानक पराशर गंभीर सा हो गया। मैंने स्पष्ट देखा वो जैसे कुछ गहन चिंतन कर रहा था। इसके बाद मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। पराशर को कुछ काम था, वो चला गया। मैं नहा धोकर बरामदे में आकर बैठा। पराशर बोलकर गया था काम निपटा कर आएगा, फिर दोनों दोस्त मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। बहुत बड़ा घर था उनका, 3 मंजिला। घर में लोग और नौकर चाकर मिला के करीब 20-21 लोग थे। पूरा मजमा सा लगा रहता था घर में हर समय। घर में प्रवेश करते ही बड़ा सा बगान, जिसमें गुलाब, चमेली, मोगरा और न जाने कितने तरह के फूल। 2 माली इसकी देखरेख करते थे। सुना था पराशर के दादाजी ने इस घर को बनवाया था। शहर में मसाले, घी वगैरह का उनका व्यापार था। बहुत पैसा कमाया था उन्होंने और वंशानुक्रम में उनका यह व्यापार चला आ रहा है। मगर पराशर स्वभाव से बहुत ही अलग था। इतने धनी परिवार का वंशज होकर भी उसमें घमंड और दूसरी बातें एकदम भी नहीं थी। स्कूल खोलकर गांव के बच्चों को पढ़ाने में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। सच में पराशर जैसे मित्र को पाकर मन में बड़ा गर्व होता है। बरामदे में बैठे बैठे
मैंने देखा वहीं पर एक ग्रामीण ब्राह्मण बैठे थे। मैंने उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने बताया कि पराशर के दादाजी बर्मा से जब यहाँ आए थे तो अपने सिर पर विग्रह को लेकर आए थे और यहाँ पर मंदिर के रूप में उसे प्रतिस्थापित किया और तब से भगवान श्री कृष्ण के रूप में उसकी प्रतिदिन पूजा होती है और वही सुबह शाम मंदिर की पूजा का कार्यभार देखते हैं। मैं भक्ति भाव से भरकर ब्राह्मण के साथ मंदिर की तरफ चल पड़ा और चौखट पर प्रणाम करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मगर मंदिर में प्रवेश करते ही अचानक मुझे अजीब सा लगने लगा और जो भाव मन में उठ रहे थे मैं उससे अच्छी तरह से परिचित था। एक अमंगल सूचक दुर्गंध मेरे चारों ओर फैलने लगी। आश्चर्य, घर में आने के बाद से तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, मगर अचानक, तुम लोग तो जानते हो कि देवी ने मुझे कुछ ऐसी क्षमताएं दी है कि कुछ भी अनिष्ट होने से पहले या यहां पर किसी भी जगह पर कोई अनिष्टकारी शक्ति होने से मुझे पहले से पता चल जाता है, मगर यहां मैं नहीं जान सका और जाना भी तो मंदिर जैसी पवित्र जगह में आने के बाद। ये कैसे हो सकता है? जहां पर स्वयं परमेश्वर विद्यमान हो उस जगह पर कोई अशुभ शक्ति कैसे रह सकती है? अभी समझ में आता है, मैंने जिस घटना को जैसा समझा था वो था बिल्कुल उसका विपरीत। मंदिर से बाहर आते ही साथ सब कुछ पहले जैसा स्वाभाविक हो गया। घर में वापस लौटने पर देखा पराशर लौट आया था। वो बोला, चल पहले खाना खा लेते हैं, बहुत देर हो रही है, उसके बाद तुझे पूरा घर घुमा कर दिखाऊंगा। खाना तो जैसे राजसिक भोज हो, क्या क्या बताऊं तुम लोगों को। पराशर के मुंह से ही सुना कि ब्राह्मण वाचस्पति उनके कुल पुरोहित हैं और उसके जन्म से पहले से ही उनके घर में दोनों समय की पूजा करते हैं। वो गांव में ही निवास करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मगर मेरे मन में बार बार एक खटका लग रहा था, पर मैंने इस वक्त पराशर को कुछ भी नहीं कहा। देखता हूं आगे क्या होता है, यही सोचा। बल्कि मैंने पूछा, अरे तू अभी तक शादी क्यों नहीं किया? पराशर हंस पड़ा, क्या बताऊं तुझे, स्कूल के काम में इतना ज्यादा व्यस्त रहता हूं कि पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे में शादी करके पत्नी की जिम्मेदारी कैसे संभालूंगा, तू ही बता। अब तुझे तो पता है कि मेरे पिताजी लोग तीन भाई, चाचा मेरे बचपन में ही तालाब में डूबकर मर गए थे, उनके बारे में मुझे ठीक से याद नहीं। बड़े पिताजी विवाह नहीं किए हैं और गांव के मुखिया भी हैं, अतः व्यापार की सारी जिम्मेदारी पिताजी के ऊपर है। वो शहर में रहते हैं, हफ्ते में दो दिन यहाँ आते हैं। अब ऐसे में व्यापार की सारी जिम्मेदारी, मुकदमा, कचहरी, ये सब मुझे ही देखना पड़ता है। अब ऐसे में तू ही बता, मेरे पास समय बचता है क्या? मगर हाँ, सारी व्यस्तता के बीच भी मुझे अपने स्कूल को बहुत अच्छा बनाने का लक्ष्य, इसीलिए बस दिन हवा की तरह उड़ते चले जा रहे हैं। मन ही मन हंस पड़ा, हाय रे, कोई कोई संसार छोड़कर भी सन्यासी नहीं हो पाता है और कोई संसार में रहकर भी सन्यासी जीवन जीता है। खाने के पश्चात घर घूम घूम कर देखने लगा। भव्य घर था, बड़े बड़े सामान असबाब, बड़े बड़े तैल्य चित्र, जमीन पर टाइल्स महंगे महंगे, हर तरफ से अमीरी झलक रही थी। मेरी माँ और पराशर की माँ इस बीच ही बहुत अच्छी सहेलियां बन गई थी। सुना दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। वैसे पराशर के पिताजी शहर में रहते थे, हफ्ते में दो दिन के लिए आते थे, जब वो आएंगे तब देखा जाएगा। मगर तब क्या मुझे पता था कि हफ्ते का अंत आते आते ही क्या घटने वाला है। शाम को मंदिर में आरती हो रही थी। घंट घड़ियाल और पूजा की आवाज सुनकर मैं भी उस ओर चल पड़ा। दूर से ही धूप अगरबत्ती की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। मैं धीरे धीरे मंदिर में गया। पंडित वाचस्पति विभोर होकर आरती कर रहे हैं।
आसपास खड़ी महिलाओं ने मुझे देखकर घूंघट काट लिया, मगर मंदिर के अंदर पैर रखते ही दोपहर वाला भाव मेरे मन में फिर से जाग उठा। अचानक ही धूप धुएं की सुगंध गायब हो गई और चारों ओर फैल गई एक अजीब सी दुर्गंध। घंट घड़ियाल की आवाज जैसे बंद हो गई। मैं आश्चर्यचकित हो उठा। मैंने देखा वाचस्पति जी एकांत मन में आंखें बंद की आरती कर रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़े हुए हैं, सबके मन में प्रशांति है, मगर जैसे किसी जादुई मंत्र से आसपास का पूरा वातावरण बदल चुका है और ये सिर्फ मेरे लिए है। मेरे मन में अब कोई भी आशंका नहीं रही कि कुछ बहुत ही भयंकर बुरा होने वाला है। जल्दी जल्दी मैं मंदिर से बाहर निकल आया। पराशर को क्या इसके बारे में बताऊं, मगर अगर उसने मुझे गलत समझा, मगर इतना तो निश्चित था कि कुछ ना कुछ बुरा अवश्य होने वाला है। मैं तो बड़ी दुविधा में पड़ गया था। आश्चर्यजनक तौर पर मंदिर से बाहर आते ही फिर धूप अगरबत्ती की सुगंध घंट घड़ियाल की आवाज आने लगी। मन में निश्चय किया आज रात्रि में मधुर सुंदरी देवी के ध्यान में बैठूंगा। क्यों मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर क्या होने वाला है, क्यों मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर ही सारी परिस्थितियां बदल रही है जबकि और कहीं कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। मगर तब मुझे पता नहीं था कि उस रात ही मैं किसी भयानक घटना का सामना करने वाला हूं। संध्याकाल के पश्चात पराशर की दादी को देखने के लिए उनके कमरे में गया। वृद्ध महिला बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। पराशर ऊंचे गले में बोला, दादी माँ, ये मेरा दोस्त तारानाथ है, तुमसे मिलने आया है। वृद्ध महिला में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी। वो जैसे आंखें बंद किए हुए लेटी थी वैसे ही लेटी रही। उनके पास एक ब्याहता लड़की की उम्र की कोई बैठी हुई थी। गांव में पराए पुरुष को देखकर घूंघट देने का चलन है, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। मुझे देखकर उसने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। लड़की के चेहरे में एक अजीब सी चमक थी। पहनावे में लाल पाड़ की एक साड़ी थी। मुझे क्या हुआ पता नहीं, मैं एक टक उसकी तरफ देखता रहा। वो भी मेरी तरफ एक टक देखती रही। कुछ मिनटों तक ये भाव चलते रहे। फिर अचानक मेरा जैसे ध्यान भंग हुआ और मैंने महसूस किया मेरे मस्तक के ठीक बीचों बीच एक नीली आभा प्रदीप्तमान हो रही है। अचानक ही एक आवाज हुई। समझ में आया लड़की के हाथ से उस वृद्ध महिला के खाने का पात्र छूटकर गिर गया है। वो तुरंत ही गिरे हुए पात्र को उठाकर कमरे से बाहर चली गई। उसके पायल की आवाज दूर तक सुनाई देती रही। फिर उसके बंद होते ही पराशर बोल पड़ा, ये नीला है, अभी कुछ दिनों हुए ही गांव में आकर रह रही है, बहुत ही समर्थशाली लड़की है। हम लोग तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे, दादी माँ ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। माँ और दूसरी महिलाओं ने बहुत प्रयास किया मगर सफल नहीं हुए। लगा था जैसे यही उनकी अंतिम यात्रा है। फिर एक दिन अचानक बड़े पापा इसे साथ में लेके आए। पंचायत बैठी थी तब ये जाकर वहां उपस्थित हुई और कहा कि यहाँ पर किसी काम करने वाले की जरूरत है, इसीलिए वो यहाँ आना चाहती। बहुत काम की लड़की है, तू विश्वास नहीं करेगा, नीला जब से इस घर में आई है तब से दादी माँ की हालत सुधरने लगी है। जहाँ पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, नीला की सेवा उन्हें फिर से जीवित कर दिया है। मैं पराशर की बात चुपचाप सुन रहा था, मगर मेरे मन में एक दूसरी ही भावना चल रही थी। मैं तारानाथ हूं जिसने पंचमुंडी आसन पर साधना की है, शमशान में अकेले साधना की है, मन को वश में रखने में समर्थ होने वाला ही यह सब कर सकता है। मन के भटकने वाले से कभी यह संभव नहीं है। मेरे साथ आज क्या हुआ, नीला को देखकर क्या कुछ पल के लिए मेरा मन विचलित हो गया था? मेरे कानों से जैसे गर्म हवा निकलने लगी, माथे की शिराएं तनकर फटने की स्थिति में आ गई। छी, मैंने
अंततः परिस्त्री को देखकर काम विचार मन में लाए। अचानक मन में आई उस नीली आभा की बात, आज स्वयं ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। इससे पहले भी कभी मुसीबत पड़ने पर ये नीली आभा ने मुझे पथ प्रदर्शन किया था। बचपन में दादी माँ से सीखा था इसके बारे में। मन जैसे द्रवित हो उठा था कुछ पलों के लिए, आंखों में आंसू से आ गए थे, मगर अगले ही पल मेरा मन दृढ़ हो उठा। मुझे समझ में आ गया मंदिर में दो बार हुई अनुभूति और अभी की इस घटना के बीच कोई ना कोई संबंध है। तो फिर क्या है इस घर के वातावरण में? ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, क्योंकि अगर साधारण शक्ति होती तो इसका असर मुझ पर नहीं होता। तो फिर किस महाशक्ति का सामना होने वाला है मेरे साथ? कुछ देर चुप रहने के पश्चात पराशर से पूछा मैंने, इसका पति क्या करता है? अब कुछ बड़ा काम नहीं, गांव में एक छोटी सी गुमटी में नाई का काम करता है। दोनों की आय से किसी तरह से इनका जीवन चल जाता है। रात बहुत हो चुकी थी। मैंने पराशर से कहा, रात में मैं कुछ खाऊंगा नहीं, थोड़ा सा दूध भेज दे, उसी से हो जाएगा। उसे चिंतित देखकर मैंने कहा, अरे चिंता करने की ऐसी कोई बात नहीं है, दोपहर को जरा देर से खाया था ना, और बहुत सारा खाया था, इसलिए रात में थोड़ा हल्का रहना चाहता हूं। मगर वास्तविकता तो यह थी कि मधुर सुंदरी देवी की उपासना के लिए भोजन पेट में नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने इस कार्य को किया था। रात में मैं पराशर के पास वाले कमरे में ही सो रहा था, दूसरी मंजिल में। घर की एक काम करने वाली लड़की मेरे पास दूध का गिलास रख गई। मेरा मन बहुत खिन्न था। अगर इस घर में कोई विपरीत शक्ति है तो आज उसने मेरी शक्तियों का अनुभव कर लिया है। मगर क्या है वो? क्या है उसका लक्ष्य? क्यों मंदिर जैसी पवित्र जगह में मुझे अशुभ अनुभव हो रहे हैं? मुझे इन सभी प्रश्नों के जवाब पाने ही होंगे। मैं इतना समझ चुका था कि किसी निम्न श्रेणी के तांत्रिक में इतनी क्षमता नहीं कि मुझे चिंतित कर सके। ये कोई प्रबल श्रेणी की तंत्र विधा थी। जब तक उस शक्ति के बारे में जान न लूं, मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा। रात जब गहरी हो गई तब मैं मधुर सुंदरी देवी के ध्यान में बैठा, बीज मंत्र का जाप करते बैठा रहा। मगर बहुत सा समय बीत जाने के पश्चात भी मैंने अनुभव किया कि मैं आज किसी भी तरह से ध्यान एकत्र नहीं कर पा रहा हूं। सोचो, मैं जिसने शमशान के एकांत में बैठकर भी ध्यान लगा लिया था, आज घर में बैठकर असहाय सा महसूस कर रहा था। रात तब खत्म होने वाली थी। मैं अटल कोशिश करके ध्यान लगाने का प्रयास कर रहा था और अचानक ही मेरे कानों में पायल की आवाज पड़ी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं जाग रहा हूं या सो गया हूं। इससे पहले भी मैंने कुंडली जागरण प्रतिक्रिया की थी, जिसमें सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित होकर परमेश्वर से मेल किया जा सकता है, मगर आज की परिस्थिति मुझे किसी भी तरह से समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था पायल की आवाज बहुत पास से ही आ रही है, मगर कहां से आ रही है ये मैं किसी भी तरह से समझने में असमर्थ था। ज्ञान और अवचेतन के बीच भ्रमण करते हुए अचानक मेरे सामने उपस्थित हुई एक नारी मूर्ति, एक भयंकर नारी मूर्ति। कोयले की तरह काला था उसका शरीर, दोनों आंखें जैसे जलते अंगारे। वो एकटक देख रही है मेरी तरफ। मुंह के दोनों किनारों से खून की धारा बह रही थी। गले में और कमर में नरमुंडों की माला, मस्तक पर हड्डियों से तैयार किया हुआ मुकुट। मैं भयभीत होकर उसकी तरफ देख रहा था। मैंने पहले ही शरीर बंधन कर रखा था, इसलिए निम्न श्रेणी का कोई प्रेत पिशाच वगैरह मेरे सामने नहीं आ सकते। तो फिर कौन है ये? अभी भी वो एकटक मेरी तरफ देख रही थी। कैसी भयानक थी उसकी दृष्टि। कोई सामान्य मनुष्य होता तो अब तक उसकी हृदय गति बंद हो जाती, मगर यहां मैं था। वीरभूमि के शमशान में मातू पगली ने मुझे क्या क्या दिखाया था, यह सब मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं।
मैं भी एक टाकोसी की तरफ देखे जा रहा था। अचानक पायल की आवाज फिर सुनाई दी, बहुत पास, शायद मेरे पीछे। और ऐसे में ही मेरा ध्यान भंग हुआ और एक ही क्षण में वो नारी मूर्ति कहीं गायब हो गई। पायल की आवाज मेरे कमरे से दूर जा रही थी। मैंने तुरंत ही लालटेन हाथ में लेकर कमरे से बाहर निकल आया। बाहर चांद की रोशनी फैली हुई थी। रोशनी के बिना अंधेरे में भी दूर तक देखा जा सकता था, मगर मेरे कमरे के आसपास कोई भी ना था। पायल की आवाज का मैं पीछा करने लगा। घर में इस वक्त सब लोग गहरी नींद में गाफिल थे, मगर मुझे समझ में आया कि मैं ही सिर्फ उस पायल की आवाज को सुन पा रहा हूं। आवाज घर से दूर जा रही थी, मगर रात की निःशब्दता में वो मेरे कानों में पड़ रही थी। कब तक चलता रहा पता नहीं, मगर अचानक महसूस किया पायल की आवाज बंद हो चुकी है। मैं जैसे किसी भ्रम में से बाहर निकला और पाया अनजाने में ही चलकर घर की तीसरी मंजिल के छत पर पहुंच गया हूं। चांद की रोशनी में चारों ओर नहाया हुआ था। अचानक ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। निश्चित इस जगह पर कुछ है, और तभी वो अज्ञात शक्ति मुझे यहां तक लेकर आई है। अचानक मेरी नजर गई मेरे पैरों की तरफ। जमीन पर कुछ चीजें बिखरी हुई थी और उन्हें देखकर अचानक ही मेरा दिल जैसे बिल्लियों उछल पड़ा। एक गोलाकार वृत्त में जोगिनी मंडल आका गया था, जिसमें किसी प्राणी के शरीर के कुछ हिस्से पड़े हुए थे। मक्खियां भिन भिन आ रही थी उसके ऊपर। सामने ही पड़ा था एक मुर्गी का अंडा, कुछ बताश, एक बोतल में एक इत्र और कुछ काली काली वस्तुएं। मेरे लिए समझने को बाकी न रहा कि यहां पर कोई बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया की गई है, कुछ ऐसा जिसका परिणाम बहुत अमंगलकारी है। मगर इस घर में क्या किया गया है और किसने किया है, और वो मुझे क्या समझाना चाहता है। मन ही मन सोचा बहुत हो गया, कल सवेरे ही अब पराशर से खुलकर बात करनी होगी। अगले दिन सुबह मेरी नींद जरा देर से खुली। गांव में वैसे सवेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तुम शहर के बच्चे ये बात नहीं समझ सकते कि गांव में देर से उठने का मतलब क्या होता है। नीचे बैठक पर आने पर मुझे लोगों का कोलाहल सुनाई दिया। सामने देखा वाचस्पति और पराशर गंभीर चेहरा लेकर बैठे हुए हैं। मैं वहां पहुंचकर बोला, इतनी भीड़ क्यों है, गांव में कुछ हुआ है क्या। पराशर उठकर मेरे पास आया और मुझसे कहा, इधर आ जरा, तुझसे कुछ बात करनी है। मैं कल ही तुझे बताने वाला था, मगर गांव में एक हत्या हो गई है। मिशन तालुकदार नाम का ग्राम पंचायत का एक सदस्य था। सुनकर जब मैं देखने गया, तू विश्वास नहीं करेगा, आज तक मैंने किसी को इतनी भयानक रूप से जला हुआ नहीं देखा है। पूरा शरीर जलकर राख हो चुका है, सिकुड़कर छोटा हो गया है, जैसा बिजली गिरने से होता है। मगर कल रात को ना तो आंधी ना ही इस तरह की कुछ भी हुआ था गांव में। बिजली गिरने की भी कोई आवाज कोई नहीं सुना। घर वालों ने रात में अचानक चीखने की आवाज सुनी। बाहर निकलकर लाश देखकर सब चौंक उठे। पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने कहा, ये गांव वालों का किया नहीं है, आसपास के किसी गांव से आकर कोई कर गया। ग्राम पंचायत सदस्य पर कोई हाथ डाले ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है, पुलिस तलाश कर रही है। मेरा मन भी थोड़ा चिंतित हो उठा। मौत स्वाभाविक नहीं है ये तो समझ में आ रहा था, मगर चिंता थी दूसरे विषय में। अग्नि पवित्र शक्ति है, किसी अपशक्ति का अग्नि को लेकर खेलना संभव नहीं है। तो फिर क्या सच में ही कोई दुर्घटना है, मन में खटका लगने लगा। मैंने पराशर से पूछा, तू मुझे क्या बताने वाला था। पराशर कुछ देर मेरी तरफ एक टक देखता रहा, फिर बोला, कुछ दिन पहले की घटना है, मंदिर में आरती करते हुए वाचस्पति महाशय के हाथ से दिया नीचे गिर गया था। मैं उस वक्त घर में नहीं था। लौटा तो वो मुझसे लिपट कर रो पड़े, बोले, बाबा आज तक इतनी पूजा की है, कभी तो ऐसा नहीं हुआ, फिर मुझसे क्या गलती हो गई, फिर मेरे हाथों से इतना बड़ा मंगल कैसे हो गया,
ये किसी बहुत बुरी घटना का संकेत है। मैंने तब किसी तरह से उन्हें समझा बुझाकर शांत किया था। मैंने उनसे कहा घर वालों को किसी को भी ये बात न बताए, और इस तरह से वो बात मैंने छुपा दी। तभी मेरे मन में मंदिर में हुई अनुभूतियों की बात फिर से जाग उठी। इस घर में कोई भयानक तंत्र क्रिया की गई है, इसका प्रमाण तो मुझे कल रात को ही मिल चुका था। उसके बाद यह घटना, दिमाग में जैसे सब कुछ उलट पलट होने लगा।